पीएम जनमन कार्यक्रम के दौरान बढ़ती भीड़ देख खुद कलेक्टर ने ट्रॉली पर चढ़कर बांटे कंबल, वहीं कई महिलाएं भूखी प्यासी नाराज लौटी। खबर कराहल से है, जहां पीएम जनमन कार्यक्रम का आयोजन एकलव्य विद्यालय में रखा गया था, जहां कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करने दिल्ली से एक महिला अधिकारी भी आई हुई थी और श्योपुर कलेक्टर संजय कुमार के साथ पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद था। साथ ही जनप्रतिनिधि और पार्टी प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शासन की जनहितैषी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न स्टॉल लगाए गए और स्कूली छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं कार्यक्रम में बड़ी LED लगाकर पीएम मोदी जी के लाइव संवाद को भी सभी को दिखाया गया, जिसमें पीएम मोदी ने सहारिया जनजाति के विकास और उत्थान की तमाम सारी योजनाएं बताई जा रही और विकास के तमाम सारे दावे किए जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री तो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर कराहल प्रशासन उनकी योजनाओं पर चूना लगा रहा है। हम आदिवासियों के नाम पर खूब पैसा सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिसे कुछ अधिकारी कर्मचारी डकार जाते हैं। हमें आज तक किसी भी योजना का लाभ प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया है। हम आज भी दर दर को ठोकरे खाते हैं, फिर रहे हैं। वहीं कुछ आदिवासी महिलाएं कहती नजर आई हैं कि हम लोगों को झूठ बोलकर यहां भीड़ बढ़ाने के लिए लाया गया है, जिससे कहा कि कंबल मिलेंगे, खाना मिलेगा, अगर मगर ना तो हमें कंबल मिले और ना ही खाना। हम सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। वहीं जब प्रशासन के जिम्मेदारों से इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि भीड़ ज्यादा आ गई, इसलिए कंबल और खाने के पैकेट कम पड़ गए हैं। सर, ये क्या कार्यक्रम सर आज कराल में करवाया गया है? सर, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पीएम जनमन अभियान खासतौर से विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए है और उसमें से एक जनजाति अपने यहाँ सहारिया जनजाति है, और इनके जितने भी बेनिफिट्स हैं, चाहे सामुदायिक बेनिफिट्स हों या व्यक्तिगत व्यक्ति को मिलने वाला, वो सब समय सीमा में मिल जाए, उसका अभियान है पीएम जनमन। एक महान्याय अभियान के नाम से पीएम साहब ने चालू किया है, उसका आज यहाँ से काम तो पहले से हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सबको संबोधित किया है कि ये क्या है और कैसे जनजातियों के जीवन में, सहारिया के जीवन में कैसे रूपांतरण हो जाएगा और उनकी जो तकलीफें हैं वो कम हो जाएगी। तो पीएम सामने इसके विपरीत सर एक चीज़ और देखी जाती है। सर, आप भी जिले में जब से आए आप भी देख रहे हैं, सर आदिवासी सर कहीं ना कहीं काफ़ी पिछड़े हुए हैं, काफ़ी वर्षों से पीएम साहब जी 10 साल से लगे हुए हैं इनकी योजनाओं के विकास के लिए, फिर सर क्यों ये सर सरकारी अमला इन चीज़ों में पिछड़ा है? कहीं ना कहीं सर कुछ महिलाएँ कह रही हैं कि हमसे तो पैसों की मांग की जाती है हर योजना। कोई अपवादिक तौर पर ऐसा बोल सकता है, लेकिन जो इनको दिया जाता है, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, लार्जली इसमें ऐसा कोई शिकायत नहीं है, और अगर किसी का अनुभव खराब है तो उसको ठीक करेंगे। सर, क्या प्रोग्राम था सर आज कराल में, क्या कार्यक्रम करवाए गए? ये प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम जो चल रहा है उसके तहत में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई हितग्राहियों से देश में विभिन्न जगहों पर बात की थी। इसी तरह में यहाँ श्योपुर जिले में भी एकलव्य विद्यालय में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जो भी विभिन्न योजनाओं में हितग्राही थे उनको लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का पीएम जनमन महाअभियान क्या लगता है सर, आपको सफल हो पाएगा? जो बहुत सफल है और पूरी तरह जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनके लिए चलाया गया है। श्योपुर जिले में शहरीय जनजाति पाई जाती है, जिसका आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अन्य राशन पर्ची, विभिन्न योजनाओं में सैचुरेशन करना उनको, और हम लगभग कर चुके हैं और पूरा मनरेगा से संबंधित सर कई शिकायतें सामने आती है कि मजदूरों को सर रोजगार नहीं मिलता है सर, और रोजगार की कोई कमी नहीं है। जितने मजदूर चाहें, हम तो डेली सभी को बोलते हैं और निर्देश करते हैं कि जो भी मजदूर मनरेगा में काम करना चाहे सभी को उपलब्ध है, अगर कहीं कोई विशेष होगा तो हम उसको देख लेंगे। इसमें क्या सर केवल ST वर्ग के लोगों को ही सर आवास दी जाएगी? जी हाँ, शहरिया शहरी। क्या नाम है आपका? राज कपूर। राज कपूर, किस पंचायत से हो आप? बोरस पंचायत से। क्या आपको पंचायत द्वारा मजदूरी दी जाती है क्या? कुछ नहीं दी जाती। मतलब जो काम होते हैं पंचायत में नरेगा के, उसमें आपसे काम नहीं कराए जाते? कुछ भी काम नहीं कराया जाता है। जॉब कार्ड बना है आपका? बना है। तब भी काम नहीं कराए जाते? कुछ भी नहीं काम। आपको प्रधानमंत्री जी का पीएम आवास मिला है क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो फिर जो यहाँ टेंट लगा के इतने बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, ये क्यों का? प्रधानमंत्री तो सही है, लेकिन जो कर्मचारी साले झूठे हैं। यानी प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कर्मचारी खराब हैं? खराब है। आपके नाम पे जो लाखों करोड़ों रुपए आते हैं क्षेत्र में, उस पैसे का क्या करते हैं फिर ये लोग? ये छोटे बड़े अधिकारी कहा जाते हैं, गरीब बदनाम कर देते हैं। आप ये दावा कैसे कर सकते हो कि ये अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं? क्यों का? हमारी सुनवाई नहीं करते। यानी आपको जो लाभ देने चाहिए आपको नहीं मिलते, तो जाहिर सी बात है पैसे खा जाते होंगे।
जाएंगे? कहाँ जाते, आज से हमारे 2 डिलीवरी हो गई, 1 भी रुपया नहीं मिला। अच्छा, आपको डिलीवरी के पैसे नहीं मिले? नहीं मिला। इसकी शिकायत की आपने कभी किसी से? बहुत कर दी शिकायत। तब भी किन किन अधिकारियों से शिकायत की गई थी आपके द्वारा? कलेक्टर से कर दिया, तुम भी कुछ पैसे। कलेक्टर से भी शिकायत की थी आपके द्वारा? दादा क्या नाम है आपका? जगदीश। किस पंचायत से हो आप? छतरामपुरा से। क्या आपको मनरेगा के तहत मजदूरी मिलती है क्या? नहीं मिलती। आपको मजदूरी नहीं मिलती? आपका जॉब कार्ड है क्या? जॉब कार्ड है। तो आपसे मजदूरी क्यों नहीं करवाई जाती पंचायत? दूर खा रहा है तो। दूर खा रहा जॉब कार्ड। अच्छा, धूल खा रहा है आपका जॉब कार्ड। समस्या यही है ना, तो आवास मिली ना, राशन कार्ड है, कुछ भी नहीं है ना, मजदूरी कार्ड। क्या जॉब कार्ड भी नहीं है आपके पास? कार्ड भी नहीं है मेरे पास। जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी के जनमन कार्यक्रम किया जा रहा है करहाल में, क्या लगता है आपको, क्या यह कार्यक्रम सफल किया जा रहा है? कुछ भी नहीं, मैं तो सब दिखाते हैं। दादा क्या परेशानी है आपकी? बहुत ही परेशानी है, कच्ची नहीं मिला साहब का। कॉलोनी मालोनी कच्ची नहीं मिली कभी भी। कॉलोनी नहीं मिली आपको? और क्या नहीं मिला? पेंशन भी नहीं मिले। पेंशन नहीं मिलती आपको? और आपको ये रोजगार गारंटी में काम मिलता है क्या? कच्ची नहीं मिला आपको? पंचायत से कोई लाभ नहीं मिलता? नहीं मिला। कौन सी पंचायत वाले हैं? तो आपने इसकी शिकायत क्यों नहीं की? कहा जाने नहीं थी, जानकारी नहीं थी, कागज दे देते, काम नहीं करते कुछ। काम नहीं करते? किस पंचायत से आई हो? बाढ़ पंचायत। तो आपकी क्या शिकायत है? क्या शिकायत है? मुझको कम्बल नहीं मिले और भीड़ भाड़ में, और बस कुछ गई होती, पैकेट नहीं मिली रोटी मोटी। हाँ, और रोटी भी नहीं मिली। हाँ भी नहीं मिलो, और कछु भी नहीं मिलो, और ग्रामीण से परेशान और हो रहे हैं हम तो। कछु नहीं मिला? मैं तो कछु नहीं मिला, कमरा मामरा नहीं मिले, नहीं मिले कमरा, ना कम्बल मिलो, ना खाने की पैकेट, भूखे कछु नहीं मिलो, ना कम्बल मिलो, ना खाने को मिलो, कुछ कछु नहीं मिलो, ना खाने को मिलो, ना कम्बल मिले, झूठ बोल के लाया कछु नहीं मिलो होते। हाँ हाँ, कोई लाते भी नहीं जाते, अमन को क्यों लाते? ट्रैक्टर में बार बार मेहनत कर, घर मजदूरी का बेड़ा कर, लार से कोई से आ गया ऐसे ही भूखे चले। कमाल यार, लाए गए तो खा रहे हैं ऐसी डोके आए नहीं नहीं, कोई मोल का नहीं नहीं, हमरो कोई मोल का नहीं नहीं, बेकार काम कर रहे हैं यार, कर के भूखे तो रहे ना होंगे भाई। आपको बेवकूफ बना के ले आए हैं नहीं सर, तो हम कोई अमरा खा रहा है, खा के अमरा जमींदार है, सरदार जमींदार है, जमीन का तू नहीं ना। हां, हमें आते का कछु हमें ऊजा पानी पा के बिन बात तो लाड में नच नहीं तो पैसा ही ले खाता है क्या? आने को परेशानी भूख यानी को पिले पूरन पैसा। हां, गवन की बोल गया मेरे लिए, मैं आमे हूं राय सिंह हनी, इसमें कुछ नहीं मिल रहा भाई साहब, वो जो सेक्रेटरी सरपंच कुछ नहीं कर रहे, इस कूपन भी नहीं। ये जो प्रोग्राम कराए गए हैं, ये प्रोग्राम किस बात के हैं फिर? अब सर ये तो पता नहीं हमको, ये तो मैं बोल रहा हूँ। आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा? इसमें कुछ ही नहीं लग रहा, तुम देख लो 2017 में मिला मुझे राशन कार्ड। मैं सोना आदिवासी, मुझे सर कोई लाभ नहीं मिल रहा, ना मोदी की रुपया, ना कछु नहीं मिल रहा। आपको मोदी जी की योजना का लाभ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। तो आपने शिकायत तो नहीं कर रही हूँ सर? कितने मैंने कागज लगा दे जनपद में, सर में व्यवस्था कराओ हमारी। क्या परेशानी है? परेशानी तो हरखा सी हुई, योजना का लाभ हमारी पेंशाली बंद हो रही है, नहीं मिल रही है कछू भी हम खा जो। हाँ, नहीं मिल रही है कछू भी, नहीं दे रही है कोई भी, हम खा जो खा की मिली है हमारी, ऐसे हाथ हो रही है हमारा, वो भी बंद कर दी हमारे, नहीं करा कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करा, और ना तो खेत ना पाती कछु नहीं, हम तो नहीं, हम तो मजदूरी हम थोड़ी देता दे, और हाँ खा जाता तो पर हमारे मिला ही नहीं है पैसा। आपको खाने के पैकेट भी नहीं दिए गए? हाँ, कछु भी नहीं मिली हमका जो, तो ना कम्बल मिला। क्या नाम है आपका? कल्याण। कल्याण जी किस पंचायत से हो आप? गोठा पंचायत से। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी आज तक तो सर कुछ भी नहीं मिला हमारे यहाँ, आवास ना कोई, पेंशन भी नहीं मिल रही। मतलब आपको पेंशन भी नहीं मिल रही? ये यहाँ जो इतने बड़े टेंट लगाकर कार्यक्रम करा रहे हैं अधिकारी, ये कह रहे हैं कि हमने आदिवासियों का बहुत उत्थान किया है, बहुत विकास किया है,
जबकि 63 साल हो रही है उम्र। नहीं जे कह रहे हैं आदिवासियों का विकास हुआ तो ये बात झूठी है, झूठी है सर। और प्रधानमंत्री जी का ये आदिवासी न्याय महाअभियान चल रहा है, आपको क्या लगता है ये महाअभियान सफल हो रहा है या फैल है? ये अभियान तो चल रहा है लेकिन हो सकता है कि तो फैल सो ही हो रहा फैल सही है। क्या आपको न्याय मिल रहा है इस अभियान में? नहीं मिल रहा, न्याय कब मिल रहा है इसमें? क्या आपकी भूमि पर कब्जा कर रखा है किसी ने? कब्जा कर रहा, कितने वर्षों से कब्जा कर रखा है? कम से कम हो गया 10 साल। आपने आवेदन दिए? आवेदन लगाए कई बार, कलेक्टर साहब का लगा दिया, मतलब कोई नहीं सुनता आपकी? जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई सर। तो यहाँ जो बाहर से आए हैं, दिल्ली से अधिकारी लोग आए हैं, तो इनको क्या दिखाया जा रहा है फिर लोगों की? तुरसा जी, कौन से गांव की रहने वाली हैं आप? दांती। पंचायत कौन सी है? चक्रामपुरा। क्या आपको प्रधानमंत्री योजना के लाभ मिल रहे हैं? नहीं मिला। आपको पैसे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। तो फिर आप इसकी क्यों शिकायत नहीं करती हैं? शिकायत क्यों करते, सरपंच सेक्रेटरी सुनाई नहीं। बड़ी हुई है क्या? जुड़ी है। तो स्वयं सहायता समूह से अभी तक आपको क्या लाभ मिला है? कुछ भी नहीं मिला। स्वयं सहायता समूह से कोई लाभ नहीं मिला अभी तक आपको? आप ही की जो स्वयं सहायता समूह वाले हैं कहते हैं कि हम तो 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं, आप 1 लाख रुपए महीने कमाती हो क्या? एक लाख रुपए नहीं कमाती। तो आपके साथ की और भी अन्य समूह से जुड़ी हुई महिलाएं कमाती हैं क्या 1 लाख रुपए? नहीं कमाते।